वेलकम टू लेपर्ड ट्रेल। सामने है अरावली पहाड़ी और ठंडी हवा मैं महसूस करने लग गया हूँ अभी से। ये है राइडर अभिजीत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज का सफर हम करने जा रहे हैं लेपर्ड ट्रेल। लेपर्ड ट्रेल गुड़गांव से 20 किलोमीटर दूर पर है और ये मानेसर के पास में है। ये जो टोल है ये मानेसर का टोल है। इसको थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद आपको लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न में तकरीबन 400 मीटर आपको चलना होगा और जो सामने पहाड़ी दिखेगी वही लेपर्ड ट्रेल है। अभी हम यूटर्न लेके आएंगे आगे से, जो कि 200-250 मीटर की डिस्टेंस पे है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे जाना है बट पीछे का कट जो सेफ नहीं है, तो अभी हम यूटर्न लेके आएंगे क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। जान है तो जहान है और जहान ही तो घूमना है अपने को। लेपर्ड ट्रेल के बारे में अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे अपनी व्यू शेयर करें कि आपको ये जगह कैसी लगी। मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे ये बहुत जगह बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पर आता रहता हूँ। और आज मुझे लगा कि अगर आपको वो भी बताना चाहिए कि गुड़गांव के पास में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कम ट्रैवल करके आराम से घूम सकते हैं, पहाड़ों वाली फीलिंग ले सकते हैं। वीकेंड आता है, माइंड में एक ही चीज आती है कि चलो पहाड़ पे, और पहाड़ पे जाना आना कम से कम 3 से 4 दिन तो लगती है। आपको सेम फीलिंग लेनी है लेकिन कम ट्रैवल करके, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तो पंडाला पहाड़ी पे आइए। यहाँ पे जो व्यू आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा ही है, लेकिन वो फीलिंग आपको पूरी मिलेगी जो आपको पहाड़ों पे जाके मिलती है। वेलकम टू लेपर्ड ट्रेल। सामने है अरावली पहाड़ी और ठंडी हवा मैं महसूस करने लग गया हूँ अभी से। ये है राइडर अभिजीत। इस जगह पे आपको पूरी फीलिंग मिलेगी। आपका ऑफ रोडिंग के लिए भी एक छोटा सा ट्रैक है, वहाँ पे आप ऑफ रोड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी करेंगे अभी। और यहाँ पे आप मैगी इंजॉय कर सकते हैं, ऊपर पहाड़ी के ऊपर जाके रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है, अमेजिंग। यहाँ पे आओ, अलग ही सुकून मिलता है। आज हम यहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट्स भी लेंगे, सो जो आप इस वीडियो में इंजॉय करेंगे आगे। ये ड्रोन शॉट्स आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। अगर आप इस जगह के बारे में पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पे बताइए आपको ये जगह कैसे लगी। अगर आप इस जगह के बारे में नहीं जानते थे, आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे आपने क्वेश्चंस लिखिए, हम उस पर रिप्लाई करेंगे आपको कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, क्या क्या आप यहाँ पे व्यू देख सकते हैं। ड्रोन शॉट्स में हमने लगभग पूरी पहाड़ी को कवर किया है, सो आप इंजॉय कीजिए ये व्यू, रिलैक्स कीजिए वर्चुअली अगर आप यहाँ पे फिजिकली आना चाहते हैं। और कैसे पहुंच सकते हैं इसके बारे में अगर कोई डाउट या कुछ क्वेश्चन है आपको, प्लीज फील फ्री टू कमेंट, हम उस पर आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। अब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं,
जहां हम करेंगे ऑफ रोडिंग। यहाँ पर आप जगह जगह रुककर व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, फोटोशूट कर सकते हैं और इन पहाड़ियों का आनंद ले सकते हैं। ये पहाड़ी अक्सर काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी देखो ठंडी हवा महसूस कर पा रहा हूँ मैं भी और एंजॉय कर रहा हूँ इस वेदर को, इस मोमेंट को। और उम्मीद करता हूँ जब आप यहाँ पे ट्रैवल करेंगे तो आपको भी सेम फीलिंग आएगी। और अब हम ऑफ रोडिंग के लिए जाएंगे, यहाँ से ये जो कट आएगा यहाँ से टर्न लेके ऊपर पहाड़ी की तरफ जाएंगे और यहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं लेपर्ड ट्रेल के एंड पॉइंट की तरफ, जहां पर हम जाएंगे कैफे की तरफ। वहां पे इवनिंग स्नैक और अपने इवनिंग टी एंजॉय करेंगे, साथ में एंजॉय करेंगे इस प्यारे से मौसम को, इस पहाड़ी प्यारी सी पहाड़ी को, और लेंगे कुछ ड्रोन शॉट्स जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। आपको अभी तक ये वीडियो कैसा लगा प्लीज शेयर योर व्यूज कमेंट बॉक्स में, और अपने व्यूज आप और शेयर कर सकते हैं कि आपको ये ड्रोन शॉट्स कैसे लगे, कैसी लगी ये ट्रिप, कैसी लगी ये जगह, और आप कब का प्लान कर रहे हैं आप आने का। ट्रेल में हम लोग मजे लेते हुए देसी ठाट, इसी ठाट में हमारे ठाट चल रहे हैं।
अल्टीमेट है, ये बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है गुड़गांव में। फीलिंग ऑफ माउंटेन्स हिल्स, चाय पियेंगे यहाँ पे, मैगी खाएंगे फिर निकलेंगे। फ्रेंड्स वी आर गोइंग बैक टू अवर होम, प्लीज लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल एंड दिस इज अपाचे 310 माई फ्रेंड, नाउ आई विल राइड दिस टू माई होम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।